पृथ्वी, रात भर जगने से क्या नियति वापस आ जाएगी? थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। कैसे आराम करूंगा? आंखें बंद करता हूं तो उसका चेहरा मेरे सामने आता है। पता नहीं किस हाल में होगी। अंकल, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। अंकल, अंकल नियति का पता चल गया। ये बच्ची जिंदा, अक्षत कहाँ है वो? अंकल नियति ठीक है? मेरी बच्ची ठीक है। अक्षत बेटा, लेकिन कहाँ है वो? नानी, वो तो पता नहीं वो है कहाँ, लेकिन इतना पता है कि वो ठीक है। क्या बक रहा है ये लड़का? दो गोली खाने के बाद ये पानी में गिर गई थी, ये बच कैसे सकती है? कुछ भी मुमकिन है कंचन, पर अगर नियति सच में बच गई तो? कभी नहीं, मेरे होते हुए तो कभी नहीं। अक्षत, अगर तुम्हें ये मालूम है कि वो ठीक है, ये भी मालूम हो ना किधर है वो, बताओ ना कहाँ है मेरी बच्ची? वो अंकल, चंपा नाम का एक गांव है, जहाँ से किसी ने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे बताया कि नियति उसे बेहोशी की हालत में मिली, और जब नियति को होश आया तो उसने उस आदमी को मेरा नंबर दिया, जिस वजह से वो मुझे कॉल कर पाए। लेकिन उसके बाद कमजोरी की वजह से नियति फिर बेहोश हो गई। अंकल, कौन सा नाम, कौन सा गाँव बताया तुमने? आप चंपा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है माँ। हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे, एक मिनट की देरी नहीं होगी मेरी बच्ची को यहाँ लाने। कार्तिक, तुम गाड़ी निकाल जाओ। जी अंकल, हम सब जाएंगे नियति को लेने। और चंपा गांव में हमें कहाँ जाना है एग्जैक्टली, उस जगह की लोकेशन भी वो आदमी थोड़ी देर में मुझे मैसेज कर देगा, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा नियति को ढूंढना। पृथ्वी, मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे नियति की खबर आ जाएगी मैं माता को नई चुनरी उड़ाऊंगी। मैं माता के क्या दूं? थैंक यू अक्षत। सुना तुमने सुमति, नियति मिल गई, चले। कंचन, अब कहाँ जा रही हो? सुना नहीं आपने, चंपा गांव। खन्ना परिवार को अब उनकी चहेती बेटी की सिर्फ और सिर्फ लाश मिलेगी। किलोमीटर लंबा है चंपा गांव, कहाँ कहाँ ढूंढती फिरोगी उसे? जोश जरूरी होता है कंचन, लेकिन अपना होश खोकर नहीं। जब तक हमें नियति की लोकेशन का पता नहीं चल जाता, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमें पृथ्वी खन्ना को ही फॉलो करना होगा। चले, अक्षत और बाकी घर वालों के निकलने के बाद ही हम अंदर जाएंगे। आप अभी तक ऐसी खड़ी हैं, चलिए हमारे साथ। जिसे भी उसे लेने जाना है शौक से जाए, मैं कहीं नहीं जा रही। ओनो, अगर सुमति आंटी घर से नहीं गई तो नियति घर में कील कैसे लगाएगी? मुझे कुछ करना होगा। आंटी प्लीज, आंटी नियति
अभी अभी मौत के मुंह से निकली है। कोई नहीं जानता कि वो किस हाल में होगी। ऐसी हालत में अपने पूरे परिवार को एक साथ देख के उसकी हिम्मत कितनी बढ़ेगी आंटी। माँ के नाते ना सही तो इंसानियत के नाते ही सही, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ तो चल सकती हैं ना। सिर्फ इंसानियत नहीं, नियति के पापा, दादी, नानी, भाई, बहुत से रिश्ते जा रहे हैं उसे लाने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए। उसे ना मेरी जरूरत है, और ना ही मैं चाहूंगी। और तुम भी यहां मुझे ये सब समझाने में अपना वक्त मत बर्बाद करो, जल्दी जाओ। लेकिन आंटी, रहने दो अक्षत, पत्थर में भी जान डाली जा सकती है, लेकिन इसके दिल में नियति के लिए प्यार डालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अंकल, सुमति आंटी के अक्षत, नियति के लिए उसके पापा, उसकी दादी, उसकी नानी, उसका भाई और उसका दोस्त बहुत है। हम चलेंगे उसको लाने। सुमति आंटी तो घर में ही है, कोई गड़बड़ हो गई तो अब नियति को कैसे इन्फॉर्म करूं? उसके पास तो कोई फोन भी नहीं है। चलो अक्षत, नियति को लाना है। अंकल, एक बार प्लीज आंटी से बात करके देख लीजिए। वो नहीं आएंगी। कम ऑन, बैठो जल्दी। चलो कार्तिक। ये अक्षत इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था ना? शायद यही कि अब घर खाली है पर हमें और देर नहीं करनी चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले ये 7 किले गाड़ कर पहली रात का काम पूरा करना है।